नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा धर्म मर्म। ठीक है, तो कक्षा धर्म मर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम इस श्लोक की बात करते हैं। ओके, तो श्लोक क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है बेटा आपको। वक्ष और कक्षा, इन दोनों के मध्य में कौन सा मर्म है? कक्ष धर्म नाम तत्र पक्षाघातः। मीन्स वक्ष मतलब थोरैक्स, कक्षा मीन्स एक्जिला। ठीक है, तो थोरैक्स और एक्जिला, और एक्जिला में भी कहाँ, एक्जिला को क्या बोलेंगे आयुर्वेद मतानुसार? कांख, और कांख के शिखर पर कौन सा मर्म है? कक्षा धर्म मर्म। और इस मर्म में आघात लगने से क्या होगा? पक्षाघात। पक्षाघात मतलब हेमिप्लेजिया, हमारे शरीर के एक पक्ष का आघात हो जाना, मतलब पैरालाइज्ड हो जाना। ठीक है, तो चलिए मैं पॉइंट के थ्रू इसमें दिखा देता हूँ कहाँ पर होगा वो कक्षाधर मर्म। तो ये है कक्षाधर मर्म। ठीक है, मीन्स इसकी सिचुएशन के लिए श्लोक बताया गया और इसके अप्लाइड एस्पेक्ट के लिए। कहाँ पर? वक्ष थोरैक्स, कक्षा एक्जिला, इन दो कांख है ना, एक्जिला को क्या बोलेंगे? कांख है, इनके शिखर पर। मीन्स इन दोनों के मध्य में, कांख के शिखर में कौन सा मर्म उपस्थित है? कक्षाधर मर्म। और इस पर आघात लगने से, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर फोकस करना है आपको इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट में, कि अगर इस मर्म में आघात लगा तो क्या होगा? पक्षाघात। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई, ये अप्लाइड एस्पेक्ट हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके संख्या की, रचना के अनुसार कैसा मर्म है, परिणाम के अनुसार कैसा मर्म है, और इसका परिमाण कितना बताया गया है। ओके, सबसे पहले हम संख्या की बात करते हैं। हमें कहाँ पर दिख रहा है? ऊर्ध्व शाखागत मर्म है, तो कितनी संख्या है इसकी? दो। अब शाखाओं का मर्म है, मतलब ये पैरों में भी होना चाहिए, तो इसका प्रतिनिधि पैरों में कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए विटप मर्म। ठीक है, तो कक्षाधर मर्म की संख्या कितनी बेटा? सिर्फ दो, और पैरों में कौन सा है? विटप। ओके, रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है? रचना के अनुसार ये स्नायु मर्म है। कैसा बेटा? स्नायु। ठीक है, और हमने देखा है कि तत्र पक्षाघातः, ठीक है, तो परिणाम के अनुसार ये कैसा मर्म हो जाएगा? वैकल्यकर। वैकल्यकर, ठीक है, और इसका परिमाण कितना बताया गया? मीन्स मेजरमेंट, कि कितने अंगुली परिमाण के अंतर्गत ये मर्म हो सकता है, तो कितना बताया गया बेटा? एक अंगुली। मीन्स इस एक अंगुली परिमाण के अंतर्गत जितने भी स्ट्रक्चर गुजरेंगे, वो सब के सब स्ट्रक्चर किसके अंतर्गत आएंगे? कक्षाधर मर्म के अंतर्गत। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें मॉडर्न के अनुसार कौन से स्ट्रक्चर आएंगे। तो कौन से स्ट्रक्चर आएंगे बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकियल प्लक्स। कौन सा प्लक्स? ब्रेकियल प्लेक्सस, ये आएगा। और इसमें भी कौन सा पार्ट आएगा? कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लक्स। ठीक, और साथ में कौन सा आएगा स्ट्रक्चर? एक्जिलरी आर्टरी, ये हम देख चुके हैं, आप चाहें तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एक्जिलरी आर्टरी, और साथ ही साथ एक्जिलरी वेन। तो ये आर्टरी, वेन और प्लक्सेस, ये स्ट्रक्चर इसमें किसके अंतर्गत आएंगे? कक्षाधर मर्म के। मीन्स ये हमारी कक्षा से गुजर रहे होंगे, है ना, एक्जिला पार्ट से। अब लास्ट में बात करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट की, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको किसका अप्लाइड क्या होगा, पक्षाघात। मीन्स हेमिप्लेजिया, हमारे शरीर के एक पक्ष का आघात हो जाना, मीन्स पैरालाइज्ड हो जाना। ठीक है, तो पक्षाघात होगा अगर इस मर्म में आघात हुआ तो। चलिए अब नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रेकियल प्लक्सिस है, ठीक है, इस डायग्राम से समझेंगे उसको। तो ये इसका कौन सा वाला पार्ट हमारे कक्षाधर मर्म के अंतर्गत आएगा? तो ब्रेकियल प्लक्स के लिए हम समझते हैं इस डायग्राम को। सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर ये पिंक कलर में दिख रहा है, कलर पे मत जाइएगा, ठीक है ना, अलग अलग दिखाने के लिए मैंने ये कलर किया हुआ है। ये क्या है? हमारे वर्टिब्रीज, और ये क्या है? हमारा स्टर्नम, एंटीरियर ये पोस्टीरियर, और इस साइड में थोड़ा सा लाइनिंग डायग्राम मैंने दिखा दिया किसका, ये हमारे ह्यूमरस बोन का। ठीक है,
और ये वाला पार्ट कहीं यहाँ आएगा, ये है हमारे एक्जिला का शिखर पार्ट, ये। ओके बेटा, चलिए अब हमें जैसे ब्रेकियल प्लक्स समझना है, तो ब्रेकियल प्लक्स समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इन प्लक्सेस का निर्माण होता कहाँ से है, है ना, किनके कंट्रीब्यूशन से होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए स्पाइनल नर्व। अब वो भी स्पाइनल नर्व में कौन से रेमस से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर कौन से रेमस से बेटा, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, ठीक है ना, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। जब अपन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे वहाँ से जो नर्व निकलेंगी वो नर्व में अपन को दिखेगा कि कौन सा इंटीरियर रेमाई है और कौन सा पोस्टीरियर रेमाई है, ठीक है ना, वेंट्रल एंड डोर्सल। ओके, तो ये कहाँ से बन रहा है, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से, और किसके, स्पाइनल कॉर्ड के। तो इस प्लक्स के अंतर्गत कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, या कहना चाहिए कौन कौन से नर्व, स्पाइनल नर्व आएंगी, तो इसको हम 5 पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला तो इसका रूट देखेंगे ये कहाँ से फॉर्म हो रहा है, दूसरा देखेंगे इसमें हम रूट के बाद क्या देखेंगे हम इसमें, ट्रंक, दूसरा पॉइंट। तीसरा हम इसमें देखेंगे डिवीजन, चौथा पॉइंट देखेंगे हम कॉर्ड, और लास्ट देखेंगे हम ब्रांचेस। इन 5 पॉइंट पे हमको बात करनी है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट बेटा, सबसे पहला रूट, उसके बाद ट्रंक, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद कॉर्ड, एंड लास्ट में देखेंगे ब्रांचेस। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, कॉर्ड, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इसी पर डिपेंड है, यही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे इस मर्म के अंतर्गत गुजरेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन आते हैं रूट में। अब इसमें कौन कौन से रूट या स्पाइनल नर्व अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, तो देखो बेटा कौन कौन सी देखेंगे, देंगी C5, C6, C7, C8 और T1, इतने स्पाइनल नर्व अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं कहाँ से निकलेंगे ये नर्व, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको समझना है, एक दिखा दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको होल्ड करने के लिए कहूँगा, बस कुछ ही देर आप होल्ड करें, मैं दिखा दूँगा। एक ये, ठीक है, C5, ये दूसरी C6, ये तीसरी C7, चौथी C8 और ये पांचवी T1, ठीक है। तो ये रूट बन गया, कहाँ से बन रही है, एंटीरियर प्राइमरी रेमस ऑफ द स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8 और T1 से। तो ये बन गया क्या, रूट ऑफ द ब्रैकियल प्लक्स। अब मैं इनको पूरा कर देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। तो ये बन गया हमारा ब्रैकियल प्लक्स का रूट। अब ये इस रूट से क्या फॉर्म होगा, तो इसमें पांचवी, छठवीं, ये दोनों मिल करके एक ट्रंक बनाएंगी, सातवीं अकेले ही एक ट्रंक बनाएगी, और आठवीं और T1 ये दोनों मिलकर के एक ट्रंक बनाएंगी। कैसे, देखो देखो यहां पर बेटा, ये एक ट्रंक बनी किसके किसके मिलने से, पांच और छह, ये दोनों मिलकर के क्या बनाए, एक ट्रंक, अपर ट्रंक। C7 इससे इसका अकेले ही कंट्रीब्यूशन होता है ट्रंक बनाने में, तो ये एक ट्रंक, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो ये अपर ट्रंक, ये कौन सी, मिडल ट्रंक, और ये तीसरी बनेगी आपकी ये वाली लोअर ट्रंक, ये। अब ये ट्रंक कौन कौन सी बनी, एक अपर, मिडल और लोअर ट्रंक, ठीक है। अब ये जो ट्रंक बनी है ये दो दो पार्ट में डिवाइड होंगी, या कहना चाहिए एंटीरियर और पोस्टीरियर इनका डिवीजन होगा। तो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, एक दिखा देते हैं उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो एक ये डिवीजन
एक ही ये डिवीजन, तो ये एंटीरियर डिवीजन। और पोस्टीरियर को मैं दिखा देता हूँ आपको इस ब्लू कलर से, ठीक है, ये ब्लू कलर। तो एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, या एक वेंट्रल, एक दूसरा डॉर्सल। ब्लू कलर वाला डॉर्सल और ये पिंक कलर वाला वेंट्रल, ठीक है, ऐसे ही सब में होगा। तो देखो बेटा, ट्रंक ये डिवाइड हुई, एक वेंट्रल डिवीजन, एक डॉर्सल डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन, एक डॉर्सल डिवीजन, एक डॉर्सल डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन, हो गए ना। एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, दो दो पार्ट में, या कहना चाहिए दो दो ब्रांच में डिवाइड हुई। तो ये हमारे ब्रेकियल प्लक्स का, या कहना चाहिए ट्रंक का क्या हुआ, डिवीजन। अब क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में, तो पहले इसको अपन दिखा देते हैं कि ये क्या है डिवीजन। ये डिवीजन्स हो गया हमारे ब्रेकियल प्लक्स का। अब ध्यान देना प्लीज, प्लीज देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक ये पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर और ये पोस्टीरियर, मींस डॉर्सल डॉर्सल डॉर्सल, ये मिलकर के एक कॉर्ड फॉर्म करेंगे, अपर ट्रंक मिडल ट्रंक। ध्यान देना बेटा, अपर ट्रंक मिडल ट्रंक के वेंट्रल और वेंट्रल मिलकर के एक कॉर्ड फॉर्म करेंगे। दूसरा डॉर्सल डॉर्सल डॉर्सल, अपर ट्रंक मिडल ट्रंक लोअर ट्रंक, इन तीनों ट्रंक के डॉर्सल डिवीजन क्या फॉर्म करेंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड। और लास्ट में हमारे पास बचता है एक वेंट्रल डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक, तो ये फॉर्म करेगा मीडियल कॉर्ड। क्लियर, चलिए वो दिखा देता हूँ। तो देखो डॉर्सल डॉर्सल डॉर्सल, ये मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉर्ड, ये कॉर्ड एक फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये कौन सी कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, और ये पिंक वाला, ये वेंट्रल मिलकर के, ये दोनों वेंट्रल वेंट्रल मिलकर के, आप चाहें तो सिंगल लाइन से भी बता सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही दिखाएं, बस मैं आपको समझाने के लिए ये डायग्राम दिखा रहा हूँ बना करके ये, और आप चाहो तो मेरे साथ ही साथ बना सकते हो, ठीक है। तो एक ये कॉर्ड बनी, तो वेंट्रल वेंट्रल मिलकर के क्या बनाए, लेटरल कॉर्ड। डॉर्सल डॉर्सल डॉर्सल, तीनों ट्रंक के डॉर्सल डिवीजन क्या बनाए, पोस्टीरियर कॉर्ड, है ना। एक ये अपर ट्रंक और ये मिडल ट्रंक, अपर और मिडल के मिलकर के डिवीजन क्या बनाए, लेटरल कॉर्ड। पोस्टीरियर के पोस्टीरियर कॉर्ड मींस डॉर्सल के। अब ये रह गई अकेली, तो ये क्या बनाएगी, इसको बता दो आप, मैं एक नए कलर से इसको दिखा दे रहा हूँ ये, ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये तो ये कौन सी, मीडियल कॉर्ड। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना यहाँ पर, ये बन गया अपना कॉर्ड, कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लक्स। यही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे एक्जिला के, देखना ध्यान देना बेटा, कांख के शिखर भाग से गुजरता है, जहाँ पर कक्षाधर मर्म की सिचुएशन बताई गई है। वक्ष कक्षा और मध्य कक्षाधरम नाम तत्र पक्षाघाता है, वक्ष और कक्षा के मध्य में कौन सा है, कक्षाधर या कक्षाधर मर्म, जहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर गुजर रहा है, कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लक्स। क्लियर ना बेटा। अब लास्ट में बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लक्स, या कहना चाहिए इसकी ब्रांचेस, ठीक है। तो अब इन सब की अलग अलग ब्रांचेस होंगी, तो मैं पहले तो आपको लेटरल कॉर्ड की, उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड की, उसके बाद मीडियल कॉर्ड की, ठीक है, फिर उसके बाद अपन रिकॉल करेंगे, तो यहाँ पर सभी जगह इन सब के नाम नोमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर लेटरल कॉर्ड की कितनी ब्रांचेस होंगी, लेटरल कॉर्ड से कितनी ब्रांच बनेंगी, तीन। तो पहली एक ये, ठीक है, दूसरी ब्रांच पहले आप देख लो ब्रांचेस, उसके बाद में
इनका नॉमेनक्लेचर कर दूंगा। एक ये ब्रांच, दूसरी ब्रांच हो गई, अब कौन सी रह गई ब्रांच, तीसरी। तो ये रही वो तीसरी। ये तीनों ब्रांच मैंने ग्रीन कलर में ही दिखाई है, ठीक है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो एक ये ब्रांच, दूसरी ये ब्रांच, तीसरी ये ब्रांच। चलिए मैं नाम लिख देता हूँ इनके, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। कौन कौन सी नर्व बनी, पहली नर्व देखो बेटा ये वाली, लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। दूसरी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, और तीसरी कौन सी बनी, एक रूट यहाँ से निकल रहा है, किसके लिए, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है, ठीक है। तो ये तीन ब्रांचेस बनी किससे, हमारे लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लक्स से। क्लियर इतना बेटा, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं अपन, मीडियल वाली देखते हैं या मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस देखते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर एक ये रूट बना, ठीक है, ये एक नर्व बनी, क्लियर ना बेटा, एक ये नर्व बनी और एक ये वेरी इंपॉर्टेंट नर्व बन गई। और यहां पर ध्यान दो, यहां से तीन ब्रांच और देखना है आपको, एक दो और ये तीन, क्लियर। तो ये टोटल कितनी ब्रांच हो गई, एक दो तीन चार और एक ये वाला रूट पांच, ठीक है। चलिए इनके सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये पांच ब्रांच कौन कौन सी, एक तो ये वाली, तो क्या नाम है इसका, मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। दूसरी ये वाली, तो ये कौन सी है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, क्लियर बेटा। तीसरी ये वाली दिख रही है आपको, ये रही, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। अब दो इम्पॉर्टेंट ब्रांच हैं यहाँ पर, देखो एक तो अल्नार नर्व, तो ये रही अल्नार नर्व, और एक मीडियल रूट जा रहा किसके लिए, मीडियन नर्व के लिए। और ये दोनों रूट, लेटरल और मीडियल रूट मिल करके क्या फॉर्म कर दिए बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नर्व, कौन सी नर्व, ये मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। तो ये ब्रांचेस, पांच ब्रांचेस और साथ में एक नई नर्व जो बन गई, ये पांच ब्रांचेस किसकी हुई, मीडियल कॉर्ड की, और एक नई नर्व किसके किसके मिलने से, मीडियल रूट और लेटरल रूट मिलके एक नई नर्व बनी, मीडियन नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है बेटा, ओके। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट कॉर्ड की बात कर लेते हैं, कौन सा कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड, ये जो ब्लू कलर में है, ठीक है। पिंक वाला कौन सा कॉर्ड है, लेटरल, ब्लू वाला पोस्टीरियर, और ये पर्पल वाला कौन सा कॉर्ड है, मीडियल कॉर्ड। तो चलिए अब इसकी ब्रांच की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा पोस्टीरियर की एक ये ब्रांच, ये वाली पोस्टीरियर से एक ब्रांच, ठीक है, ये कौन सी ब्रांच है, ये एक्सिलरी नर्व, ओके। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नर्व है ये कौन सी है, रेडियल नर्व। तो ये एक्सिलरी नर्व, ये रेडियल नर्व, तीन और ब्रांच बनेंगी, ठीक है, एक दो और ये तीन ब्रांच। इनके नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ मैं, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पांच ब्रांच किसकी किसकी, देखो पोस्टीरियर कॉर्ड की पहली ब्रांच ये देखो छोटी वाली, एक्सिलरी नर्व, दूसरी रेडियल नर्व, तो ये रही एक्सिलरी नर्व, दूसरी ये डॉट डॉट में ये वाली कौन सी है, रेडियल नर्व, और ये छोटी छोटी तीन कौन कौन सी, अपर सबस्कैपुलर नर्व, दूसरी नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी,
और ये तीसरी लोअर सबस्कैपुलर नर्व। तो ये हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड की 5 ब्रांचेस। अब ध्यान देना यहाँ पर बेटा, देखो 3 ब्रांचेस किसकी, हमारे लेटरल कॉर्ड की, 5 ब्रांचेस हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड की और 5 ब्रांचेस हमारे मेडियल कॉर्ड की। ओके, चलिए रिकॉल करते हैं अपन। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो ये रहा रूट C6, C5, C6, C7, C8 और T1। इनके कंट्रीब्यूशन से क्या मिलकर बना, इनके मिलने से क्या बना, रूट ऑफ द ब्रैकियल प्लक्स। दूसरा C5, C6 मिलकर के क्या बनाए, अपर ट्रंक। तो ये कौन सी ट्रंक है, अपर ट्रंक, ठीक है। उसके बाद C7 अकेला कौन सी ट्रंक बनाएगा, मिडल ट्रंक, ठीक। और C8 और T1 मिलकर के क्या बनाए, लोअर ट्रंक। अब ये दोनों, वो सॉरी तीनों दो दो ब्रांच में डिवाइड हुए, वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल डोर्सल, डोर्सल वेंट्रल, ठीक है, या एंटीरियर पोस्टीरियर कह सकते हो आप, वेंट्रल को एंटीरियर, डोर्सल को पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये मिलकर के क्या किया, इन्होंने डिवाइड हुए, कौन, ट्रंक। आगे जब ये ट्रंक का डिवीजन होता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखो ये वेंट्रल डिवीजन है और ये ब्लू कलर में कौन सा है, डोर्सल। ऐसे ही सब में समझना है कि पिंक वाला वेंट्रल और ब्लू वाला डोर्सल। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये जो डिवीजन हुआ हमारे किसका, ट्रंक का, ठीक है। तो ट्रंक डिवाइड होती है दो दो ब्रांचेस में, है ना, दो दो डिवीजन करती हैं। उसके बाद वेंट्रल ऑफ मिडल ट्रंक, वेंट्रल रूट ऑफ मिडल ट्रंक और वेंट्रल रूट ऑफ अपर, अपर और मिडल ट्रंक के वेंट्रल रूट मिलकर के क्या बनाएंगे, लेटरल कॉर्ड। तो कौन सी कॉर्ड बेटा, लेटरल कॉर्ड। तो ये है आपकी लेटरल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू ब्लू वाले जितने भी, मीन्स डोर्सल डोर्सल डोर्सल, अपर ट्रंक का, मिडल ट्रंक का और लोअर ट्रंक का, क्या बनाया इन्होंने, पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक। और ये पर्पल कलर में जो हमने दिखाया, ये नीचे वाला सिर्फ वेंट्रल, वेंट्रल डिवीजन है किसका, लोअर ट्रंक का, ये अकेले ही क्या फॉर्म कर रहा है, मीडियल कॉर्ड, ये, ठीक। और इनकी फिर उसके बाद ब्रांचेस, 3 लेटरल कॉर्ड की, 5 पोस्टीरियर कॉर्ड की और 5 मीडियल कॉर्ड की। तो ये यहाँ पर दिखा देते हैं अपन, ग्रीन में दिखा दीजिए ब्रांचेस। ये ब्रांचेस, तो ये तो हुई हमारे कॉर्ड की ब्रांचेस। अब कुछ ब्रांच हमारे कहाँ से बनेंगी, रूट से भी और हमारे अपर ट्रंक से। चलिए वो ब्रांच देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। यहाँ पर ध्यान दो, ये एक लाइन दिख रही है आपको, तो 5वें इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन से एक नर्व बनी। इस नर्व का नाम क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट नर्व है बेटा। कौन सी नर्व है ये, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इतने इम्पोर्टेंट नर्व है कि जब आप पढ़ेंगे क्या, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इस नर्व को और किस नाम से जानते हैं, नर्व ऑफ बेल, ठीक है, नर्व ऑफ बेल। और साथ ही साथ ही किसको नर्व इम्पल्स देती है, सेरेटस एंटीरियस। तो सेरेटस एंटीरियस में अगर इस नर्व में क्या हुआ, इंजरी हुई, तो और सेरेटस एंटीरियस कहाँ की मसल है हमारे, स्कैपुला की, ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। तो उस मसल में अगर इस नर्व में इंजरी हुई तो उस मसल में क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। और पैरालिसिस के कारण क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, क्लियर। तो एक ये नर्व हो गई। दूसरा यहाँ पर से दो नर्व और इमर्ज होती हैं, देखो एक तो आपका 5वें, ये 5वां रूट है जो यहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी, एक ये वाला रूट दिखा दो और दूसरा ये वाला रूट दिखा दो, ठीक है। ये कौन सी नर्व है और ये कौन सी नर्व है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये है आपकी डोर्सल स्कैपुलर नर्व और ये दूसरी वाली कौन सी है,
ब्रांच ऑफ फ्रेनिक नर्व। तो ये है ब्रांच ऑफ फ्रेनिक नर्व, और एक ये है क्या, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो ये दो ब्रांच कहाँ से इमर्ज हुई, C5 से, ठीक है। उसके बाद एक C6 से भी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा देते हैं अपन, इस कलर से। तो C6 से एक नर्व इमर्ज हुई, ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, कौन सी है, मस्क्यूलर ब्रांच। तो इसका नाम आप दे दो, कौन सी ब्रांच बनी है, कौन सी ब्रांच बन निकलती है, मस्क्यूलर ब्रांच, ठीक है, मस्कुलर ब्रांचेस C6 से। बट C5 से 1, 2 और 1, 3, ये कंट्रीब्यूशन किसके लिए, लॉन्ग थोरेसिक नर्व के लिए। अब आ जाते हैं अपन, ये तो हुई रूट की बात है, अब आ जाते हैं अपन ट्रंक्स में। तो ट्रंक में आपको कितनी नर्व मिलेंगी, दो, कौन कौन सी, ग्रीन कलर में देखो बेटा, एक तो ये अपर ट्रंक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपर ट्रंक से ही ये नर्व बने, ये ब्रांचेस निकलेंगी, बाकियों से नहीं, मिडल और लोअर से बिल्कुल नहीं, तो ठीक है ना। तो अपर से एक ये नर्व और दूसरी ये नर्व, इसकी ब्रांचेस हैं किसकी, अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लक्स की। तो ये कौन सी ब्रांच है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, और ये दूसरी वाली कौन सी है, नर्व टू सब क्लेवियस, ये कौन सी है, नर्व टू सबक्लेवियस, और ये सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो यहाँ से दो नर्व निकलती हैं, चलिए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, तो ये दोनों डिवीजन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। चलिए इनको भी थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, बस कुछ ही सेकंड लगेंगे। तो ये हो गई हमारे रूट से निकलने वाली सारी ब्रांचेस, ये वाली, और ये हो गई कौन सी, ट्रंक से निकलने वाली ब्रांचेस, और ये सारी ब्रांचेस हो गई हमारे कॉर्ड से निकलने वाली। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, ध्यान देना, कक्षाधर मर्म, और कक्षाधर मर्म यहीं से होकर गुजरता है, सॉरी यहीं पर होता है, एक अंगुली परिमाण के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ब्रैकियल प्लक्स का लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड आते हैं, ठीक है। इन पर आघात लगने से हमने क्या बात की है, क्या हो जाता है, पक्षाघात, हेमीप्लेजिया, मीन्स हमारे शरीर के एक पक्ष का आघात हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा कक्षाधर मर्म और साथ में ब्रैकियल प्लक्स, मे बी आपको समझ में आया होगा बेटा। जैसा भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी एनाटॉमी या रचना शरीर से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके ओके, थैंक यू।